नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बदायूं की राजनीति में उठा पटक चल रही है, सियासी पारा चढ़ चुका है। 14 फरवरी को बदायूं में मतदान होना है। प्रत्याशी दावे और वादे भी खूब कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, इसको जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता विजय राठौर ने। तो देखिए क्या कहती है बदायूं सदर की जनता इस रिपोर्ट में। बदायूं सदर विधानसभा और सदर विधानसभा की जनता का क्या राय है, यहाँ पर विकास कार्य किस किस तरह से हुए हैं। चूंकि हालांकि यहाँ पर बता दूं, नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में रहे थे। क्या आप नगर में किस किस तरह के विकास हुए हैं? अरे भैया, विकास हो गया यहाँ पर। विकास दिखाई ना 5 साल तक, अगर विकास देखो तो देख लो कोई सी गली में जाके, विकास हो गया, विकास मिला ना 5 साल से ढूंढ रहे हैं विकास को सब। अच्छा, 2000 जे सिर्फ विकास कहाँ पर मिला है? विकास टीवी पे मिला, उसके अलावा मिला ही ना कहीं। अच्छा, विकास मिला ही ना, सो गया विकास। किसकी सरकार बनवा रहे? सरकार समाजवादी की बनेगी, लिख के रख लियो। सपा सरकार। किसका बदलाव? सपा सरकार। किसके सदर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के युवाओं को सबसे बड़ी सामने बड़ी बात क्या है? सपा सरकार में विकास बहुत हुआ, विकास की गंगा बह गई। क्योंकि बताइए, मेडिकल गंगा तो भाजपा सरकार में भी नहीं 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 नहीं, नहीं। कहाँ बताएं, एक विकास बताएं आप। तमाम देख रहे हैं बदायूं में, हम देख रहे हैं रोडों पे गंगा बह रही है। समाजवादी में एक पुलिया टूट गई थी, वो आज तक नहीं बन पाई है। समाजवादी ने जो काम कराया था, थोड़ा सा काम रह गया। भाजपा सरकार की 5 साल निकल गए, काम ही नहीं हुआ। क्या लगता है आपको दादा, 2022 चल रही है, 17 में भाजपा आई, किस तरह का विकास हुआ? विकास 2 पैसे का नहीं हुआ साहब। बताइए, शहर के अंदर इतना गंदा विकास हुआ है, बहुत ही बुरा विकास हुआ है। सड़कें, लेडीज़ की डिलीवरी होने को होगी गड्ढों में, लेडीज़ जाएगी तो डिलीवरी पहले डॉक्टर के यहाँ हो जाएगी, इतनी कंडीशन ख़राब है रोडों की। अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या बदलाव ऐसा चाहते हैं? अखिलेश भैया हमारे बताइए यूपी में आने वाले हैं 2022 में, सब 350 सीट ऊपर आने वाली है। चाचा बहुत देर से देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इस बार परिवर्तन होना चाहिए साहब। अच्छा। हाँ, बदलाव होना चाहिए। किसानों को ठगा है साहब, हम किसान है, किसानों ठगा गया है साहब। किसानों की हालत दयनीय है, बहुत बुरा हाल है। और हमारी किसान यूनियन भी ये चाहती है कि अखिलेश भैया ही आना चाहिए। किसान यूनियन तो भाजपा के साथ है? नहीं नहीं, किसान यूनियन टिकैत इन्हीं के साथ है। हाँ, अखिलेश भैया संग। समस्याएं किसानों को किस किस तरह से जो करना? किसानों की इतनी समस्याएं हैं साहब, हमें लूटा जा रहा है, हमें खाद नहीं मिल रही है, हमारे आलूओं को दवाई नहीं मिल रही है, पानी की समस्याएं हैं, बिजली नहीं आ रही है, ट्यूबवेल सरकारी वो खराब पड़े हुए हैं, जो अखिलेश भैया ने बनवाए थे वो ट्यूबवेल सब बंद पड़े हुए हैं। सरकार तो दावे कर रही है कोई यूरिया DAP लेने वाला नहीं है। अरे साहब, सरकार के तो होर्डिंग लगे हुए हैं, इतना विकास हुआ। बदायूं की रोड देखिए, गाँव में रहता हूँ, गाँव की रोड देखिए, ऐसे हालत है। हम यहाँ से 5 रुपए में घटपुरी स्टेशन पहुँचते थे, आज 30 रुपए में पहुँचते हैं। ये रेलवे स्टेशन का टिकट है। तो बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश भैया की। हाँ, आप दादा बहुत देर से देख रहे हैं, क्या चाहते हैं? युवा हैं जी, क्या युवाओं की सोच क्या है? समाजवादी पार्टी। क्यों बताइए, शहर में विकास होना चाहिए था, उस तरह का विकास हुआ जी? विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास? सड़कें गड्ढे हैं देखो जी। दादा आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, बल्कि अखिलेश भैया की सरकार आए और आवेद भाई को टिकट मिल जाए तो यहाँ का टिकट आवेद भाई का ही बल्कि बल्कि बन जाएगा। ये था बदायूं घंटाघर चौराहे से हमारा खास कार्यक्रम जनता की राय। कौन व्यक्ति जो अच्छा कार्य कर सकता है, काजी रिजवान करा सकते हैं या आबिद रजा करा सकते हैं? देखिए, काम कराने का पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ती है, पैसा निकाल सकते हैं सिर्फ आबिद रजा, बाकी कोई नहीं निकाल सकता पैसा। अच्छा। जी, आप तो युवा हैं, वोट बन गया जी, पहली बार मतदान करेंगे जी? अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आपको पहली बार मतदान करने के लिए। क्या चाहते हैं युवा बताते हैं? जिस तरफ युवा अपना मतदान दे देता है, युवा जिस तरह घूम जाता है उधर सत्ताएं पलट जाती हैं, सरकारें पलट जाती हैं। तो किसे भैया, किसकी सरकार ला रहे हम? अखिलेश की, अखिलेश यादव की। समझ बात, भैया ने ऐसा क्या किया है? रोड पानी की टंकी है, पानी की टंकी है और ये लाइटें लगवाई हैं। बीजेपी ने लाइटें तो बीजेपी ने भी लगवाई हैं, वो वाली लाइटें लगवाई हैं। रोड कौन से बढ़वा दी उसने? हाँ, रोड कौन से बढ़वा दी उसने? क्यों, अभी तो आपको देखा पूर्वांचल हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे, तमाम अभी चलो यहाँ पे हमारे पीछे चलो थोड़ा,
क्योंकि आपके सदर में मड़ी चौक पे चलो। नगर विकास मंत्री तो यहीं से आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब पीछे चलो, आप हमें दिखाएं तो कौन कौन से रोड बन चुके हैं यहाँ पे। समाजवादी पार्टी जी 2022 में किसको किसकी सरकार बनवा रहे हैं भैया? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश की। क्यों अखिलेश सरकार? हाँ क्यों, क्या कार्य, क्या अच्छे क्या किए हैं सरकार? सब कार्य ही अच्छे हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार में इस विधानसभा सदर में कौन कौन से कार्य हुए हैं? तो कोई दो कार्य बता दीजिए। अखिलेश की सरकार में मेडिकल कॉलेज बना है, बहुत अच्छा काम हो रहा है उसमें। ओवर ब्रिज बना जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम काजी जमशेदुद्दीन। मैं बदलाव चाहता हूँ, समाजवादी की सरकार चाहता हूँ, और इस क्षेत्र के हमारे मंत्री जी महेश गुप्ता जी मान सम्मान के अच्छे हैं, फिर भी हम उनकी बुराई ना करते हुए उन्होंने थोड़ा बहुत विकास किया है और वो उनकी यहाँ मान सम्मान मिलता है, फिर भी पब्लिक बदलाव चाहती है। हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। और बुझिए अब हाँ, अखिलेश यादव की सरकार चाहते, इससे पहले जो है समाजवादी पार्टी के विधायक रहे थे, ऐसा कोई दो काम बता दीजिए जो बदायूं के लिए नहीं। अखिलेश यादव की सरकार में आबिद रजक विधायक रहे थे, उनके ही क्षेत्र में भी विकास हुआ था, उन्होंने भी विकास किया था। अब बदलाव चाहते हैं हम, काजी रिजवान के को चाहते हैं। सुल्तानपुर के खाद्य और विपणन एजेंसी के करवार के केंद्र में जल्द अमीर बनने के लिए कुछ युवकों ने ऐसा गैंग तैयार किया कि धान खरीद की नोडल एजेंसी जिला खाद्य और विपणन के सेंटर को निशाना बनाने लगे। कई बार चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने टीम को गिरफ्तार किया, वहीं दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी की अज्ञात बदमाशों की तरफ से घर में घुसकर निर्मम तरीके से हत्या किए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब प्रबंधक और उनकी पत्नी को स्थानीय लोगों की तरफ से सुबह नहीं देखा गया। वही स्थानीय लोगों ने जैसे ही मामले की जानकारी हुई तो लोगों ने घर में घुसकर देखा तो दोनों पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। थाना बिदुना में ये जो मोहल्ला पड़ता है जवाहर नगर, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली आज तकरीबन सवेरे 11 बजे कि व्यक्ति गंधर्वा सिंह यादव जी और उनकी वाइफ कमला देवी जो यहाँ रहती हैं, इनको आवाज़ लगाया जा रहा और दूध के लिए इनको नीचे चाबी फेंकी थी तो ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर आई, जाँच करी गई और पाया गया कि जो गंधर्वा सिंह यादव जी और इनकी जो वाइफ कमला देवी जी, ये मृत अवस्था में अपने कमरे में ऊपर पाए गए। प्रथम दृश्य बॉडी को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रस्सी या किसी कपड़े जैसे कि मफलर वगैरह से इनका गला घुटा गया है, साथ में क्योंकि कमरे में कुछ सामान फैला हुआ था, तो कमरे में जो सामान फैला होता है उसको देख करके रखता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है चोरी के प्रयास से घर में घुसा है, और चोरी के प्रयास से घुसने के बाद उन्होंने घर में चोरी वगैरह करी है, और जिसमें जो लोग ये लोग पहचान गए थे इसलिए शायद इनका गला घुट के इनको मार दिया गया। चंदौली के सकलडीहा कस्बा में सरकारी शराब के ठेके के सामने दो दुकानदारों में आपस में झड़प हो गई। वहीं इस दौरान एक व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी को मछली खरीदने के विवाद में चाकू मार दिया, जिससे दूसरा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद तत्काल आसपास के लोग घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ठंड में जहां एक ओर लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं तो वहीं ऐसे सर्द मौसम में भी सियासी पारा तेजी से ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही विधायकी के दावेदार और उसके समर्थक अपने अपने सियासी समीकरण बनाने में जोरों शोरों से लगे दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा सीट की, जहाँ से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने सौरभ द्विवेदी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद जब सौरभ द्विवेदी पहली बार अपने गांव कुनहिटा पहुंचे तो लोगों ने जगह जगह रोक कर फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। जो मूल मुद्दे हैं, आर्थिक सामाजिक समानता आना चाहिए,
और पार्टियां जातिवाद फैला करके सिर्फ वोट बैंक अपना बनाना चाहती हैं। हम जमीन पर काम करेंगे, सत्ता केंद्रित हमारी राजनीति नहीं रहेगी, हमारी राजनीति जनसेवा की राजनीति रहेगी और अपनी बात को हम जन आंदोलन बना देंगे। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र के लिए किन एजेंडों पर काम करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और बुंदेलखंड में किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा बर्ताव जो है गलत हो रहा है सरकारों के द्वारा। बुंदेलखंड का किसान बदहाली में जीवन जी रहा है और हम बुंदेलखंड के किसानों के लिए कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? फिलहाल अभी 100 सीटों पर प्रत्याशी निश्चित हो चुके हैं, आगे जो हमारा हाईकमान का निर्णय रहेगा तो देखा जाएगा। जोरों शोरों से लगे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहां से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने सौरभ द्विवेदी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद में जब सौरभ द्विवेदी पहली बार अपने गांव कुनेहटा पहुंचे तो लोगों ने जगह जगह रोक कर उनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया है। हमीरपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने अपना प्रत्याशी आखिरकार उतार दिया है। सौरभ द्विवेदी को अपना दावेदार बताया है। जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे तो यहां पर भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। जौनपुर में कुछ दबंगों ने महिला के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। स्थानीय लोगों ने मछली शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया जहां से डॉक्टर्स ने गंभीर हालत देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित महिला का दबंगों ने 20 दिन पहले पैर तोड़ दिया था जिस पर उसने उन पर मुकदमा दर्ज कराया। इसी बात से वे लोग खफा थे। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रात के 8 बजे केवाड़ी खोलत रहे, उसके बाद बिट्टी चमकाए, बिट्टी हमें केवाड़ी खोल के हम अंदर कह दे, एक पैर हमारा अंदर के एक बार बारिक कहे, मम्मी पेशाब करे जाती, पेशाब को क्या होती, पेशाब करते रहे हम अंदर, सोचे जाए कि ना जा पाए तब तक बिट्टी पेशाब करके बाहर से निकली, कहे मम्मी तेरे पीठ पे आग लगी बा, कहा जानी कैसे भग लग, हम गिर गए, लोग धमकी देते मारे भी था, और खेत हमारे एक लाठा दूजा जगह पे लोग हड़पे हैं, खेत एक पीछे में लोग मारते हैं। किस लिए कौन लोग आग लगाया? पप्पू चंदन मोनू हैं। काहे लिए का अब का जानी, हम ना जमीन का झगड़ा है। हाँ, कल 19 तारीख को आज 1:20 पे किरण देवी जो की है वाइफ ऑफ राधे श्याम कपूरपुर मछली शहर जौनपुर आई है, इसके दाहिने लोअर लिम में पैर में पीछे की तरफ बर्न है, एस्टिमेटेड किया गया है 25% के लगभग बर्न है, और कंडीशन उनकी सामान्य है, अभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, इलाज के अंदर भर्ती कर इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। क्रिटिकल कंडीशन नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, 25% बर्न है, पूरा दाहिना पैर में पीछे की तरफ पूरा गला हुआ है। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के SSP कार्यालय पर पीड़िता अपनी पत्नी को ठेले पर लेकर पहुंचा था जहां उसके द्वारा इलाके की ही रहने वाली एक झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए। जिस मामले को लेकर SSP मुरादाबाद से पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं महिला का गलत तरीके से इलाज किया गया था और जिसके बाद महिला की हालत बेहद गंभीर हो गई थी। उसके पति ने उसे ठेले पर रखा और SSP कार्यालय पहुंचा। मामले का संज्ञान लेते हुए CMO मुरादाबाद जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए, प्रकरणों का संज्ञान लेकर उस की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। चल रहा है सर, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नियमित रूप से कार्रवाई।
तो मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मामला सामने आया है जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज करने पर महिला की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिसके बाद महिला का पति उसे ठेले पर एसएसपी कार्यालय लेकर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आया है। मुरादाबाद में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टर्स के कई मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो सिविल लाइन इलाके के एसएसपी कार्यालय पर पीड़ित अपनी पत्नी को ठेले पर लेकर पहुंचा था, जहां उसके द्वारा इलाके की ही रहने वाली एक झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। महोबा में जिला निर्वाचन अधिकारी की लापरवाही के चलते चुनाव आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 नियमों का जमकर उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा कर बार बालाओं के ठुमके लगवाए गए हैं और अश्लीलता परोसी गई है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने का संज्ञान लेते हुए एसडीएम श्वेता पांडे ने जाँच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। महोबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया है। कार्यक्रम के नाम पर बार बालाओं के ठुमके यहां पर लगवाए गए हैं। तो महोबा में जिला निर्वाचन अधिकारी की लापरवाही के चलते चुनाव आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रतिनिधि के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा कर बार बालाओं के ठुमके पर जमकर अश्लीलता परोसी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच करवा रही हूं और जांच दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो उस प्रकरण में जो भी दोष बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। नैनीताल में भी कोरोना की मार देखने को मिल रही है। सड़कों पर कम लोग नजर आ रहे हैं। जहां बरहो मास पर्यटकों का तांता लगा रहता था, वहां सुनसान नजारा दिखाई दे रहा है। नाव चालक से लेकर पर लगाने वालों में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। लोगों के सामने रोजगार की समस्या भी अब बड़ी परेशानी बन गई है। तो नैनीताल की तस्वीरें जहाँ पर कोरोना की मार हर कोई झेलता हुआ नजर आ रहा है। दुकानदार, आम व्यापारी यहां पर परेशान हैं, क्योंकि पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी में बेरोजगारी अब चुनावी मुद्दा बन गया है। लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही बेरोजगारी दर को लेकर परेशान युवा और बेरोजगारों ने इस बार चुनाव में फैसला बदलने की बड़ी बात कही है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवाओं से खास बातचीत की देहरादून से हमारे संवाददाता निशी भाटिया ने क्या कहती है, युवा सुनिए। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ये एक अहम मुद्दा बन चुका है हर एक युवा का, हर एक बेरोजगार का, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक समस्या है जो इस वक्त चुनावी मुद्दा बन चुकी है। शायद यही मुद्दा एक सरकार को गिरा भी सकता है, एक सरकार को उठा भी सकता है। इसी चर्चा को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं कि इस बार बेरोजगारी उत्तराखंड प्रदेश में क्या है। मैं चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो बेरोजगारी में काम करे। जो जनता इतनी बेरोजगारी यहाँ फिर रही है, उनको काम दे। हम ये नहीं कहते कि उनको सरकारी जॉब दे या सरकार उनको नियुक्त करे, मतलब इस तरह से कोई काम करे जो कि जो आम जनता जो बेरोजगार घूम रही है, युवा जो हमारे यहाँ के आगे जो बेरोजगार है बेचारे, उनको काम दिया जाए, चाहे वो किसी भी बेस पे हो। इसके अलावा यह है कि जो हमने जो मोदी जी का जो चेहरा देख के जो भाजपा को हमने वोट दिया था, वो भाजपा से हमें उम्मीद नहीं थी, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ है यहाँ पर। और जो भाजपा काम कर रही थी मोदी जी की सरकार में, मोदी जी ने जो यहाँ पर काम करा, कुछ उन्होंने अपने आदेश भी दिए, वो काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ यहाँ पर। आप अपने आसपास देखते हैं, रोज आप यहाँ ये गाड़ी चलाते हैं, तो आप इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरोजगारी को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? मैम, उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर बहुत बुरी हालत है इस टाइम पे।
बेरोजगारी का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पर। अगर वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ना भी चाह रहा है तो सरकार हो गई या बड़े बड़े नेता हो गए वो उनको अपना भी मतलब ऑलरेडी इसको दबा देते कि ये बंदा जो है काम ऊपर थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है काम कर रहा है उसको नीचे दबा देते वो। तो हम तो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार आए जो हम लोगों को युवाओं को समझे और उत्तराखंड के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है उसका थोड़ा समाधान लाए यहाँ पर। आपके हिसाब से कौन सी है वो ऐसी सरकार जो सिर्फ बेरोजगारों पर सुनेगी? मेरे हिसाब से तो इष्टम मैम आम आदमी पार्टी। हम यही सोच रहे कि इस बार जो है नया चेहरा लाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए, तो हमने यही सोचा इस बार। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले आपको लगता है कि वो बेरोजगारी को दूर करेंगी? एक नया चेहरा आएगा, नया चेहरे को थोड़ा यूज भी करना चाहिए मैम। हमने कांग्रेस देखी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है। बीजेपी देखी है, बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। अब आम आदमी पार्टी हमारे पे एक विकल्प ऐसा बना है, तीसरा जो विकल्प है आम आदमी पार्टी का, तो हम यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को लाए। तो आपका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी को आप चुनाव में जिताने वाले हैं जिससे कि वो बेरोजगारी पर ध्यान दें? यस, हम लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे जिससे कि वो एक हमारे पे विकल्प है जो आम आदमी पार्टी का, हम उसको ही वोट देंगे। नया चेहरा लाने का मतलब ये है कि हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये बेरोजगारी अपना यहाँ से जो उत्तराखंड में जो बेरोजगारी फैल रही है उसको हटाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भी आम आदमी पार्टी पर ही भरोसा कर रहे हैं कि किस तरीके से शायद वो कहीं ना कहीं इनकी बात सुन सकती है और लोगों से जानते हैं कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड की राजधानी। मैं श्रवण कुमार सभी मीडिया प्रभारी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, मैजिक चलाता हूँ और जनता की सेवा करता हूँ। इस कोरोना काल में सभी के काम चौपट हो गए और सरकार अंधी गुंगी बहरी हो गई। मैं 40 साल से टूरिस्ट को टैक्स दे रहा हूँ और गणेश जोशी जी की रोड पर चलता हूँ, जो हमारे विधायक है प्रतिनिधि है उनके पास चक्का काटे ना तो कॉलोनियों की रोड बनती है, ना आईटीआई सूचना के अधिकार में हिसाब मिलता है, ना जिला विधि प्राधिकरण में मिलता है, तनख्वाह सबको मिल रही है, जनता को ठोप लूटा जा रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री को हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, अपने DM DIG को दिए, राज्यपाल को दिए, बचाई कौन है? जनता जनादन है, वोटर हमेशा वहीं खड़ा है और अधिकारी मीटिंग पे मीटिंग वोट। तो जिस संविधान में 90 दिन का प्रावधान हो और 2-2 साल लगा दिया जाए तो दुर्भाग्य है ऐसे पद पे बैठने वालों का। मैं श्रवण कुमार, सरकार किसी की भी बन जाए, वोटरों को तो काम करना है, पर कोई भी सरकार काम नहीं करती जनता के लिए, बस ये कहना मेरा। बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी यही है मैडम, एक दिन का माल 3 दिन में बिकता है, कोई मार्जिन नहीं। बात यह है कि ये 34 रुपये अकेला पड़ा है, इसमें 40 रुपये बेचे कोई मतलब नहीं बनता है। इस टाइम खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है, हर एक चीज़ मतलब कि सोच समझ चलना पड़ता है तो भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, रही बात कि यहाँ हम लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है, यहाँ ठेली लगाने नहीं देते, पुलिस वाले बहुत मना करते हैं, मारते भी हैं। रही मारने के बाद यहाँ अभी खड़े हैं, अभी पुलिस वाले आएंगे फिर भागना पड़ेगा, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ 17 साल से हम यहाँ खड़े हैं, कभी भागते इधर लगाते, कभी उधर लगाते, कोई हम लोग का ठिकाना नहीं है। हमारा कहना यही है कि हम लोग का एक मार्केट होना चाहिए जो जिसे हम लोग सुकून से अपना दुकानदारी कर सके, अपने घर वालों को माँ बहन सबको मतलब कि हम पढ़े लिखे तो है नहीं जो नौकरी करेंगे, हाँ यही अपना यही है, इसी में हम कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। कोरोना के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आपके काम पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है जी, कोरोना के बाद हमारा मतलब कि इसमें प्रॉफिट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। अभी दो महीने के बीच में हमारा 18-20 हज़ार रुपये घट गया, इसमें खर्चा चलाते घट गया पैसा। पैसे का मतलब कोई वो नहीं है, आपसे बताया ना ये 34 रुपये अकेला पड़ा है, इस केले का 40 रुपये भी नहीं बिकता इस टाइम, एक दिन का माल 3 दिन में बेचना पड़ता है, वो खर्चा मेंटेनेंस नहीं होता इस टाइम। हमारा यही कहना है, ये जो है कि दुकानदारी सर्दियों में तो नहीं होती है, फिर भी असर बहुत पड़ा है कोरोना में, बहुत असर। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि बेरोजगारी की मार
एक पढ़े लिखे पर नहीं बल्कि अनपढ़ लोगों पर भी बहुत ही गहरा असर इस बेरोजगारी का। कोरोना के बाद किस तरह से हर युवा हर वर्ग के लोगों की नींव किस तरीके से हिली है वो भी साफ इनके शब्दों में बयां हो रहा है कि किस तरीके की परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं, किस तरह से अपनी दिनचर्या ये सच चला रहे हैं। और भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, क्या है देहरादून की जनता का मूड, इस बात पर भी हम लगातार चर्चा लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी का दर किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में उत्तराखंड का जो बेरोजगारी दर है वो अब टॉप पर आने की बिल्कुल संभावना ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति बन चुकी है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये जो अब की बार बेरोजगारी का मुद्दा होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। वो शायद एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो बीजेपी की सरकार गिरा भी सकता है और साथ ही साथ कांग्रेस की उठा भी सकता है, या फिर उत्तराखंड में जो तीसरा विकल्प बनकर उभर रहा है आम आदमी पार्टी का, उसकी भी कहीं ना कहीं संभावनाएं भी जताई जा सकती हैं। इसी के साथ मैं निशी भाटिया, कैमरामैन सचिन के साथ, नमस्कार।